अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ रामलला की प्रतिमा का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। रामलला की मूर्ति शालिग्राम के पत्थर से तैयार की जाएगी। हिंदू धर्म में शिवलिंग को भगवान शंकर का रूप माना जाता है, वैसे ही शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। नेपाल में एक जगह है मुक्तिनाथ, यहाँ मौजूद है शालिग्राम का एकमात्र मंदिर। बताया जाता है यहाँ की यात्रा काफी मुश्किल होती है। मान्यता है कि यहाँ लोगों के हर तरह के कष्टों का निवारण होता है। मुक्तिनाथ जाने के लिए यात्रियों को काठमांडू से पोखरा जाना होता है। पोखरा जाने के लिए सड़क और हवाई मार्ग दोनों की सुविधा उपलब्ध है। नेपाल की काली गंडकी नदी से मिले 6 करोड़ साल पुराने 2 विशाल शालिग्राम पत्थरों से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति बनाई जानी है। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए ये पत्थर नेपाल से आ रहे हैं। जहां जहां से ये पत्थर निकल रहे हैं वहां वहां लोग इन्हें छूने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत लाए जा रहे ये 2 पत्थर 5 से 6 फीट लंबे और लगभग 4 फीट चौड़े हैं। इनका वजन लगभग 18 और 12 टन है। रामलला की प्रतिमा इन चट्टानों से उकेरी जाएगी और मूल गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। इन पवित्र चट्टानों में रामलला के साथ सीता जी की प्रतिमा भी तराशकर बनाई जाएगी। 2024 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी।